Hello, student. Today is topic micelles and soap, and this is the chapter for carbon and its compound for tenth class. So let's we start my topic, and I will discuss firstly soap. What is the soap? The molecule, the molecules of soap are. सोडियम एंड एंडशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चैन कार्बोजलिक एसिड जो सोप होता है वो बना हुआ है सोडियम और पोटेशियम साल्ट से और इसमें एक लॉन्ग चैन होती है जो कार्बोजिक एसिड की अटैच होती है फॉर्मेशन सोप का फॉर्मेशन कैसे होता है इसका फॉर्मेशन होता है एस्टर से C2H5, CS3CO, C2H5. ये एक एस्टर है और जब हम एस्टर में सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करते हैं तो फॉर्मेशन होता है सीओएनए इसको सोडियम एसिटेट भी बोलते हैं ये एक सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है जिसमें सोप का फॉर्मेशन होता है फॉर्मेशन सोप एंड रिमूव एथेनॉल एंड नेक्स्ट एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिसल्स एंड वॉट इज द मिसाइल्स मिसाइल्स आर फॉर्म्ड फोड सॉप आर डिजॉल्व इन वाटर जो मिसाइल्स बनती हैं जब वाटर के अंदर सॉप को डिजोल्व किया जाता है उससे मिसाइल्स बनती हैं ये मिसाइल्स की स्ट्रक्चर है और इसके जो मिसाइल्स हैं वो लिपिड्स होते हैं और इसके पास दो रीजन होते हैं इस रीजन को हम बोलते हैं हाइड्रो हाइड्रोफोबिक एंड इस पार्ट को बोलते हम हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं नॉन 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 पोलर 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 एंड एंड दिस दिस पार्ट पार्ट इज इज कॉल्ड कॉल्ड जो मिसाइल होती हैं उसके दो पार्ट्स हैं हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक का मीन्स होता है फोबिया यानी कि जो चैन होती है हमारी कार्बोजिक एसिड की वो वाटर से उसको फोबिया होता है वो वाटर से अलग रहती है और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट्स हैं, उसको बोलते हैं वाटर लविंग यानी कि जो इसका हेड है जो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट का जो हेड है वो वाटर से लविंग करता है इसलिए जो ये वाला पार्ट होता है ये वाटर के पास में होता है और ये वाटर से दूर जाता है जब हम सॉप को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं ये हमारे पास एक कंटेनर है इसमें वाटर है और हमने इसके अंदर सोप को डिजोल्व करा तो इसकी स्ट्रक्चर इस कुछ इस तरीके से बनती है ये कार्बोजिक एसिड की लॉन्ग चेन है जिन्हें नॉन पोलर बोलते हैं और ये पोलर पार्ट होता है ये वाटर से इनको फोबिया होता है इसलिए ये सारी एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं और जो हेड है पोलर जिसको हम हेड बोलते हैं जो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का हेड है ये वाटर का लविंग होता है इसलिए ये वाटर के पास में होते हैं और जो इनकी लॉन्ग चैन होती है ये वाटर से अलग होती है इसलिए इस पार्ट का नाम दिया हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर हीटर और इस पार्ट्स को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग और इस पार्ट्स को हम पोलर भी बोलते हैं यूजेस ऑफ missiles Misselles are very useful to remove dirt from dirty cloths. I hope do you understand what is the soap and missile?